हेलो दोस्तों, एल्कोहल फिनोल्स में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शंस की तरफ, जो हैं एल्कोहल्स की ऐसी रिएक्शन जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड यहाँ से टूटता है। तो कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं? अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, टर्शरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। फिनोल्स ज़्यादातर ये रिएक्शंस नहीं देते हैं, कोई एक्सट्रीम कंडीशंस में कोई एक आधी रिएक्शन इनकी होती है। पहली रिएक्शन विद हेलोजन एसिड्स, ये सारी रिएक्शंस हमने पहले पढ़ी हुई हैं, इसलिए बिल्कुल 1 मिनट में इसको ख़त्म करते हैं। हेलोजन एसिड के साथ ऐसी रिएक्शन होती है, ग्रूज प्रोसेस हमने पढ़ा है। प्राइमरी सेकेंडरी के लिए एनहाइड्रस ZnCl2 की जरूरत पड़ेगी, वो इस बॉन्ड को तुड़वाएगा यहाँ से। एनहाइड्रस ZnCl2 आपको बता रखा है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का दुश्मन है, वहाँ उसको हमेशा वो तोड़ देगा, ये काम होता है। लेकिन अगर ये टर्शरी है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि अपने आप ही OH को ये कार्बन कहेगा, मेरे पास बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, आपकी ज़रूरत नहीं, आप चले जाओ। ये अपने आप यहाँ से जा सकता है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल इसकी जगह आएगा और हेलो अल्केन्स की फॉर्मेशन होती है। PCl5, PCl3, ये मेथड हमने पढ़ा हुआ है। PCl5 जैसे अल्कोहल है, एक सी एल इसको दे दो, एक इसको दे दो, ये है POCl3, इस तरह बनता है। PCl3 भी हमने पढ़ा हुआ है, अमोनिया के साथ ये है CH3CH2OH, तो इसको तोड़ो, एच पॉजिटिव NH2 नेगेटिव, तो ये न्यूक्लियोफाइल इसकी जगह आएगा और इससे अमीन्स की फॉर्मेशन होती है। SOCl2 हमने पढ़ा हुआ है, बेस्ट मेथड है हेलो अल्केन्स को तैयार करने का, क्योंकि SO2 और HCl निकलेंगे, दो जो दोनों गैसियस हैं, इसके अलावा हेलो अल्केन्स बनते हैं। जिंक डस्ट, ये याद रखना है, ये फिनोल्स की रिएक्शन है, बड़ा ही काम आएगी ये कन्वर्जन्स में आपके, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप कन्वर्जन करेंगे। बहुत समय ऐसा, बहुत बार ऐसा होगा कि आपके पास फिनोल आएगा, अब फिनोल से आपको बेंजीन लेना है, तो उस समय बहुत काम आएगी ये। एल्कोहल ये रिएक्शन नहीं देंगे और इससे कोरस्पोंडिंग हाइड्रोकार्बन्स आपको मिलेंगे। जैसे ये फिनोल है, जिंक डस्ट के साथ ये रिएक्शन है, जिंक डस्ट ली, गर्म करो तो क्या होगा, ये इसको उड़ा देता है, यहाँ से चला जाएगा, बेंजीन आपको मिल जाएगा, ZnO बनेगा। हाइड्रोजन यहाँ का यहाँ बेंजीन पे होता है, यहाँ का यहाँ रह जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, जिनमें अल्कोहल मॉलिक्यूल पूरा लिया जाता है एज ए होल, वो टेक पार्ट करता है केमिकल रिएक्शंस के अंदर। ये नेक्स्ट बहुत आसान सी रिएक्शन है, पूरा अल्कोहल मॉलिक्यूल आएगा। जैसे पहली डिहाइड्रेशन है, तो डिहाइड्रेशन मीन्स वाटर निकलेगा, तो अगर H2SO4 आप 110 डिग्री सेल्सियस पर लें तो इंटरमोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होगा। मीन्स ये एक इंटर का मतलब होता है दो के बीच में, और इंट्रा का मतलब होता है एक के ही अंदर, इंट्रा मीन्स अंदर। अगर 170 डिग्री, 170 डिग्री सेल्सियस लेंगे तो एक में से ही वाटर निकल जाएगा, जैसे इसका OH, इसका H गया तो ये गया, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। तो इंट्रा से क्या बनता है, एल्कीन, जब डिहाइड्रेशन होगा। इसमें क्या होगा, एक का OH और एक का H आप लेकर जाएंगे, तो CH3CH2O, CH2CH3, ये क्या है, ये ईथर है। तो जब इंटरमोलिक्यूलर होता है तो ईथर फॉर्मेशन होती है, इंट्रा होता है तो क्या होता है, एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। सिमिलरली हीटेड एलुमिना के साथ है, अगर 513 से 523 केल्विन टेम्परेचर आप रखेंगे तो इंटरमोलिक्यूलर वाटर निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन और ईथर की फॉर्मेशन होगी। अगर 633 केल्विन के आसपास टेम्परेचर आप रखोगे तो इंट्रामोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होगा और एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। हीटेड कॉपर के साथ आपको याद रख लेना, प्राइमरी अल्कोहल है ये, पहले बहुत बार आई रिएक्शन, तो इससे एल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी है तो कीटोन बनता है, टर्शरी अल्कोहल है तो क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। उससे ऑक्सीडेशन है, बहुत जनरल सी बात है, 10th क्लास से आप पढ़ते हैं। जब अल्कोहल का आप ऑक्सीडेशन करेंगे, जैसे के MnO4H2SO4 है या K2Cr2O7H2SO4 है, तो उससे कार्बोनाइल कंपाउंड्स मिलेंगे, मीन्स एल्डिहाइड, कीटोन, और क्योंकि ये स्ट्रोंग भी हैं तो ये आगे जाएंगे तो उनको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे, और आगे जाओगे तो CO2 मिलेगा। इस तरह से रिएक्शन है। अब आ जाते हैं फिनोल्स की रिएक्शन पर। फिनोल्स की जो ज़्यादातर रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। जैसे कि ये फिनोल है OH, मीन्स इलेक्ट्रोफाइल जो है, एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा। जैसे पहला है हेलोजिनेशन, तो ध्यान रखना है, जब हम ब्रोमीन वाटर लेते हैं एक्वस, बार बार पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम्स में, ये Br2 एक्वस ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, तो क्या करना है आपने, एक्वस मीन्स ब्रोमीन वाटर, आपके पास बहुत सारे ब्रोमीन है तो तीनों जगह पर ऑर्थो और पैरा पर, यहाँ भी ब्रोमीन, यहाँ भी, यहाँ भी, यानी कि ट्राई ब्रोमोफिनोल आपके पास आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप CH2 या ऐसे सॉल्वेंट लें जहाँ से कम आपको मिल पाए ये, तो फिर ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट आते हैं, ब्रोमोफिनोल आएगा, यानी कि
लेकिन मेन रिएक्शन ये है एक्वस के साथ ही बार बार आपसे पूछी जाती है। सल्फोनेशन में क्या होता है, SO3H है इलेक्ट्रोफाइल, वो एच पॉजिटिव को हटाएगा, उसकी जगह पर आ जाएगा जैसे कि ऑर्थो और पैरा पर ही आ गया। नाइट्रेशन में क्या होता है, NO2, बहुत बार अब ये बातें हम पढ़ चुके हैं, हमने हेलोएरिन्स में भी ये बातें पढ़ी थी, वैसी की वैसी सिमिलर रिएक्शंस है। NO2 ग्रुप है, ये NO2 पॉजिटिव, तो एच पॉजिटिव को हटाएगा, ऑर्थो पर आएगा और पैरा पर आएगा, क्योंकि ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बहुत इंपॉर्टेंट डैम रिएक्शन है, इसमें क्या है दो तरह की है, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। तो जैसे CH3Cl ये लेते हैं हम, यहाँ से तोड़ दें तो ये पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल बनता है, तो एच पॉजिटिव को हटा के एक बार ऑर्थो पर आया, एक बार पैरा पर आया। इसके अलावा ये रिएक्शन हैं, देखिए कोलबे रिएक्शन, तो याद रखना कोलबे रिएक्शन किसकी है, फिनोल की है, बनता क्या है सैलिसाइलिक एसिड, ये बनता है इसे। NaOH के साथ रिएक्शन करवाओ, H पॉजिटिव जाएगा, Na इसकी जगह पर आएगा, ONa। CO2 और एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओ तो क्या होगा, एसिड तो यहाँ पहुँचेगा H, और CO2 अपना काम यहाँ करेगा, COH सैलिसाइलिक एसिड आपके पास आ जाएगा। इसका मैकेनिज्म नहीं है तो आपको चक्कर में पड़ने की जरूरत भी नहीं है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तो ये आपको याद रखना है, फिनोल का Na2Cr2O7 जो सोडियम का डाइक्रोमेट है वो, और H2SO4 इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। तो ये देखो दो बॉन्ड दिखाए हमने यहाँ पर, तीन नहीं है, ये बनता है डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, यहाँ भी बेंजो क्विनोन, यानी कि क्विनोन्स की फॉर्मेशन होती है इससे। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स की इतनी फेवरेट है, बार बार पूछते हैं, रीमर टाइमन रिएक्शन। तो ये क्या है, फिनोल की रिएक्शन है, क्या बनता है सैलिसाइलडिहाइड बनता है, कैसे बनता है गौर फरमाइएगा। ये फिनोल है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म लिया, NaOH लिया, ये अपना काम करेगा, ये अपना करेगा, तो NaOH ने क्या किया, H और OH यहाँ से चले गए और ये होगा ONa। इसने अपना काम किया, एक Cl इसका CHCl3 था ना, एक Cl और यहाँ का एक HCl चला गया, बच गया CHCl2, ऐसे लिख दिया समझाने के लिए मैंने। इसके साथ आप NaOH या KOH एक्वस का यूज़ करना है, एल्कोहलिक मत करना KOH, वरना एलिमिनेशन करवा देगा। जैसे हम करेंगे तो क्या करता है, एक्वस KOH हेलोजन पे रिएक्ट करता है, उसकी जगह पर OH आ जाता है, तो क्या आएगा आपके पास, ये ONa, ये होगा CH, इसकी जगह भी OH, दूसरे Cl की जगह भी OH। एक कार्बन पर हमेशा आपको याद रखना है, एक से ज़्यादा OH ग्रुप नहीं होंगे, तीन हैं तो उनमें से वाटर निकलेगा, दो हैं तो उनमें से भी निकलेगा, यानी कि अनस्टेबल होता है, एक कार्बन पर एक से ज़्यादा OH नहीं रहेगा। ये कन्वर्जन में भी आपको बहुत याद रखना है, वाटर को ले जाओ यहाँ से, ये बच गया CHO, सैलिसाइलडिहाइड की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो अपने पास यहाँ क्या आ गया, अब ये ONa और ये क्या है CHO, अब दिक्कत क्या रह गई, ये ONa, ये Na नहीं चाहिए हमें, तो इसको रिएक्ट करवा दो आप एसिड के साथ, जैसे HCl के साथ रिएक्ट करवाते हो, तो ये Na ऊपर वाला जो था और Cl ये चला जाएगा, H पॉजिटिव इसकी जगह पर आ जाएगा, तो अपने पास आएगा OH और यहाँ पर क्या आया CHO, ये क्या है सैलिसाइलडिहाइड। ये थी फिनोल्स की रिएक्शंस। अब कुछ कंपाउंड्स एल्कोहल के जो इंपॉर्टेंट है, मिथेनॉल है, वुड स्प्रिट भी इसको कहा जाता है, कहाँ से बनाई जाती है, वाटर गैस। वाटर गैस क्या होती है, CO+H2। एक प्रोड्यूसर गैस भी होती है, वो होती है CO+N2, लेकिन वाटर गैस क्या है CO+H2। तो इन दोनों की रिएक्शन करवाओ, CuOZNOCr2O3, 573 केल्विन, 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर हो तो आपको मिथेनॉल मिल जाता है। पॉइजनस होता है, ब्लाइंडनेस इससे होती है, डीनेचुरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। डीनेचुरेशन मींस अल्कोहल को, जो इथेनॉल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कंपाउंड है, इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में यूज़ होता है, तो क्योंकि ये अल्कोहल है तो कहीं ऐसा ना हो कि इसको सब पी जाएं और कुछ बचे ही ना इंडस्ट्रीज में, इसलिए उसको अनफिट बनाने के लिए कि वो ड्रिंकिंग ना की जा सके, टू मेक द एल्कोहल अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, इसको बोलते हैं डीनेचुरेशन। तो प्रोसेस को बोलते हैं डीनेचुरेशन और एल्कोहल को बोलेंगे डीनेचर्ड अल्कोहल। इथेनॉल है दूसरा कंपाउंड, यानी कि C2H5OH, इथीन या फर्मेंटेशन से इसको बनाया जाता है। इसमें कुछ वन मार्क्स से क्वेश्चन है, एक दो वो आपको याद रखने हैं, जैसे रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होता है, जब 5% वाटर हो और 95% अल्कोहल हो तो उनके मिक्सर को कहा जाता है रेक्टिफाइड स्पिरिट। पावर अल्कोहल क्या है, 20% एब्सोल्यूट अल्कोहल, एब्सोल्यूट होता है 100% इथेनॉल, तो 20% एब्सोल्यूट अल्कोहल के साथ 80% पेट्रोल विद बेंजीन आप मिला दो तो इससे पावर अल्कोहल बनता है।
एंटी फ्रीज मिक्सर के रूप में इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि हिली एरियाज पर जो रेडिएटर्स होते हैं अपनी गाड़ियों के, जिनमें पानी होता है जो इंजन को कूल रखते हैं, तो कई बार वो जम जाते हैं, तो वो जमे नहीं, इसलिए एंटी फ्रीज मिक्सर बनाने के लिए उसमें इथेनॉल मिलाया जाता है। अब डिस्टिंग्विश करना है प्राइमरी सेकेंडरी टेस्ट, यानी कौन कौन से टेस्ट हैं जिनसे, मान लिया आपको सैंपल दिए गए हैं, आपको ये पहचाना है प्राइमरी अल्कोहल कौन है, सेकेंडरी कौन सा है, टर्शरी कौन सा है। तो पहला, ये दो तीन टेस्ट हैं, इनको ही हम बात कर लेते हैं। पहला है लुकास टेस्ट। तो ये क्या है, इक्वीमोलर मिक्सर है, कंसनट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 बराबर मात्रा में लो और मिला दो, तो इसका जो मिक्सर बनेगा उसके साथ जो सैंपल आपको दिया हुआ है उसको डाल लो। अगर क्लाउडीनेस यानी कि वाइट टर्बिडिटी मिल्कीनेस आ जाएगी, अगर इमीडिएटली आ जाए, तुरंत आए, तो समझो टर्शियरी अल्कोहल है, अगर 5 मिनट्स बाद आए तो समझो प्राइमरी अल्कोहल है, और ना आए तो समझो वो क्या है, सॉरी इमीडिएटली आए तो टर्शियरी है, 5 मिनट्स आए तो सेकेंडरी है, ना आए तो समझो प्राइमरी अल्कोहल है। विक्टर मेयर टेस्ट होता है एक, जिसमें P4I2 या फिर NaOH, AgNO2 बहुत सारे रिएजेंट्स मिलाए जाते हैं। निष्कर्ष की बात करते हैं, सीधे जो काम की बात है, अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो उसका कलर ब्लड रेड आएगा, अगर सेकेंडरी है तो ब्लू कलर आएगा, टर्शरी है तो कलरलेस आएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार NCERT एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो आपको याद रखना, ये पूछना आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन सा कंपाउंड देगा, तो उसके लिए कंडीशन है CH3CH, ये भी कंपल्सरी है, CH3CHOH, और यहाँ या तो H हो या R ग्रुप हो, तो जहाँ पर ये ग्रुप होता है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। और क्लैरिफिकेशन के लिए देख लेते हैं, जैसे ये कंपाउंड दे दिया, तो इसमें क्या है, क्या देखना हमने, CH3COH और यहाँ H और R बेशक हो, तो CH के ऊपर OH है, यहाँ पास हो गया भाई, ये इधर CH3 है, ये भी पास होगा, इधर ये पूरा अल्काइल ग्रुप है, ये पास होगा, मीन्स इट विल गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। इसकी अगर बात करें तो CH के ऊपर OH है, चलो C के ऊपर ठीक है, लेकिन एक तरफ CH3 होना चाहिए जो इसमें नहीं है, इथाइल है, इसलिए ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। और एक बात अपनी रह गई थी, खुदा का शुक्र है मुझे अब याद आ गई है, कपलिंग रिएक्शन फिनोल की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड एग्जाम्स की बहुत फेवरेट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन कपलिंग रिएक्शन। तो ये किसकी है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ फिनोल को मिलाते हैं अल्कलाइन मीडियम में, यानी कि pH 9 से 10 तक जिसमें हो, और जब इन दोनों को हम मिलाएंगे, जैसे ये N2Cl लगा हुआ है, ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, ये फिनोल है, तो ये एच और ये Cl, इस एच और Cl को निकाल दो, तो बेंजीन N2 यानी कि दो नाइट्रोजन है डबली बॉन्डेड ये रहे, और फिर ये ऐसे कैसे OH के साथ जुड़ जाएगा, और इस तरह से ये जो बनती हैं ये डाइज होती हैं, इनको एजो डाइज बोला जाता है। जैसे यहाँ पर ये क्या बना, 4-hydroxy एजो बेंजीन, एक ऑरेंज कलर की ये डाई है, तो इस रिएक्शन का नाम है कपलिंग रिएक्शन। दोस्तों इसमें इथर्स का पोर्शन बचता है, और ख़ास बात ये है कि यहाँ तक आते आते स्टूडेंट्स ये सोच लेते हैं अल्कोहल फिनोल ये ख़त्म हो गया लगभग चैप्टर, टीचर भी कई बार यही सोच लेते हैं होगा होगा, और ईथर्स बेचारे रह ही जाते हैं। इसलिए यहाँ शामिल ना करते हुए अगला वीडियो सिर्फ हम ईथर्स के ऊपर पढ़ेंगे,